मूवी के स्टार्ट में हमें क्लेयर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में आई है, जो यहाँ एक टेस्ट सब्जेक्ट बनकर आई थी। उसके साथ और भी कई लोग यहाँ इसी काम के लिए आए थे। टेस्ट सब्जेक्ट का मतलब इन लोगों के ऊपर उन मेडिसिन को टेस्ट किया जाता है जो अभी तक मार्केट में आम लोगों के लिए लॉन्च नहीं हुई। वो मेडिसिन सेफ है या नहीं, इनका टेस्ट उन लोगों को खिलाकर किया जाता है। जाहिर सी बात है, इसमें इन लोगों की जान को भी खतरा है, लेकिन इस काम के लिए इनको बहुत से पैसे मिलते हैं। क्लेयर ने मेडिसिन तो ले ली थी, लेकिन अभी भी वो काफी परेशान थी कि कहीं उसकी मौत ना हो जाए। इसके बाद सारे ही टेस्ट सब्जेक्ट को एक रूम में लेकर आया जाता है और इनसे मिलने के लिए आई थी डॉक्टर रोजी, जिनके अंडर में इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। वो इन लोगों को बताती है कि आप लोगों को 5 दिन तक यहीं पर रखा जाएगा और हर रोज डोज बढ़ाकर मेडिसिन दी जाएगी और आखिरी दिन आप लोगों को 85 mg की मेडिसिन दी जाएगी और अगर वो आप लोगों पर सेफ रिएक्ट करती है तो आप लोगों को घर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट खत्म होने से पहले किसी भी हाल में आप इस फैकल्टी से बाहर नहीं जा सकते। सभी लोग मेडिसिन ले लेते हैं, जिसके कई घंटों के बाद मेडिसिन का रिस्पॉन्ड लेने के लिए इनके कई टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ब्लड का, शुगर का, यूरिन टेस्ट। काफी टाइम तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक क्लेयर को वॉमिटिंग आ जाती है और वो जब वॉशरूम जाती है तो उसे एक आमिर नाम का लड़का मिलता है जो उसको बताता है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैंने पहले भी एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रह चुका हूँ। खैर, हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है। जब सभी लोग सोने की कोशिश करते हैं तो किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, साथ ही सभी लोगों को अजीबोगरीब चीजें नजर आ रही थी, यानी कि इनको हेलुसिनेशन हो रहे थे और ये लोग पिछले 2 दिन से सोए नहीं थे और आज सबको डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनकर गलती तो नहीं कर दी। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर रोजी को, जो अपने हायर अथॉरिटी से बात कर रही थी, जो उनको बता रही थी कि ये मेडिसिन उन सब्जेक्ट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट कर रही है। मैंने सभी की MIR रिपोर्ट देखी है और उनके ऊपर असर इतना ज्यादा हो रहा है कि उनकी जान भी जा सकती है। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि ये मेडिसिन सिर्फ इन्फेक्शन की है, लेकिन वो मेडिसिन इन्फेक्शन की हो ही नहीं सकती। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये किस चीज की मेडिसिन है? पर अथॉरिटीज वाले उसको मेडिसिन का बताने के बजाय वो टेस्ट सब्जेक्ट पर डोज बढ़ाने को कहते हैं और डॉक्टर रोजी को ना चाहते हुए अथॉरिटीज की बात माननी पड़ती है। जब सभी लोगों के पास इतनी ज्यादा डोज की मेडिसिन आती है तो सभी डॉक्टर रोजी से सवाल करते हैं कि हमें आज ही इतनी ज्यादा डोज क्यों दी जा रही है, जिस पर डॉक्टर रोजी कहती है कंपनी ने रूल चेंज कर दिया है और अगर आप लोग ये डोज ले लेते हैं तो इसके बदले आपको 30,000 यूरो का बोनस भी मिलेगा। इतनी बड़ी अमाउंट का सुनते ही ये सभी लोग पागल होकर खुशी से नाचने लगते हैं। सभी लोग बिना कुछ सोचे समझे सारी की सारी टेबलेट खा लेते हैं और 4 दिन हो गए थे, लेकिन ये लोग अभी तक सोए नहीं थे और अब इन्हें नींद आ भी रही थी और नहीं भी आ रही थी। इनकी हालत काफी अजीब हो गई थी और रोजी इनकी हालत के बारे में कंपनी अथॉरिटीज को दोबारा बताती है। यहाँ पर कंपनी अथॉरिटीज मेडिसिन रोकने के बजाय या उनका कोई ट्रीटमेंट कराने के बजाय दोबारा डॉक्टर रोजी को उनकी डोज बढ़ाने को कहती है। अब डॉक्टर रोजी समझ चुकी थी कि कंपनी अथॉरिटीज का इरादा कुछ ठीक नहीं है और इसी तरह डोज बढ़ाते रहेंगे तो ये लोग मर भी सकते हैं। डॉक्टर रोजी की सारी बातें आमिर नाम का वही मेडिकल स्टूडेंट भी सुन चुका था जो यहाँ का टेस्ट सब्जेक्ट भी था। वो डॉक्टर रोजी के यहाँ से जाने के बाद उन टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर होने वाले पूरे एक्सपेरिमेंट और इन लोगों की MRI रिपोर्ट, इन सभी चीजों का डाटा निकाल कर अपनी पेन ड्राइव में डाल देता है। MRI रिपोर्ट देखकर तो वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था। उन लोगों के दिमाग पर इतना बुरा असर हो रहा था इस मेडिसिन का कि ये लोग कोमा में भी जा सकते थे और मर भी सकते थे। जैसे ही आमिर ने ये डाटा दूसरी पेन ड्राइव में डाला तभी ये खबर कंपनी की अथॉरिटीज को भी पता हो गई थी और बिना वक्त जाया किए उन्होंने कंपनी में 24 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया था। दूसरी तरफ क्लेयर जब अपनी दोस्त के पास जाती है तो वो उसको देखकर घबरा चुकी थी। वो देखती है उसकी साथी जो कि सो गई थी और सोने की वजह से उसके आंख, कान और पूरे मुंह से खून निकल रहा था और अचानक से उसकी मौत हो जाती है। ये सभी लोग अब इस फैकल्टी से डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी भाग नहीं पाता और डॉक्टर रोजी भी दरवाजे में फंसकर मारी जाती है। और अब तक इन लोगों को यकीन हो चुका था कि इन लोगों की जान नहीं बचने वाली और इसी टाइम पर आमिर आकर इन सभी लोगों को बताता है कि मैंने डॉक्टर के सिस्टम से हम सभी लोगों की रिपोर्ट चेक करी है और हमें जो भी मेडिसिन दी जा रही है वो हमें जगाने के लिए है और इसी वजह से 7 दिन हो गए हैं और हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। हमारा दिमाग हमें सुलाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन ये मेडिसिन हमें जगाए रख रही है और अगर हम इन मेडिसिन को लेकर सो गए तो मेडिसिन के असर की वजह से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा और हम लोग मारे जाएंगे और किसी भी तरीके से हमें सिर्फ 24 घंटे तक जागे रहना होगा, जिसके बाद दवा का असर कम हो जाएगा और हम यहां से निकल पाएंगे और हमारा
इलाज हो पाएगा। और अगर हम लोग 2-4 दिन के लिए कोमा में चले गए फिर भी हमारा जिंदा रहने की उम्मीद बहुत ज्यादा होगी। आमिर यहाँ इन्हीं फैकल्टी के अंदर से कुछ मेडिसिन ढूंढ के इन लोगों को देता है और कहता है कि ये मेडिसिन तभी यूज करना जब तुम लोगों की नींद बिल्कुल काबू से बाहर हो जाए। ये लोग अब अपने आप को बिजी रखते हुए जागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी देर जागने की वजह से इन लोगों को हेलुसिनेशन हो रहे थे। आमिर को हेलुसिनेशन होता है कि उनकी मरी हुई साथी जिंदा हो गई है और वो उनके पास आ रही है, लेकिन तभी वो अपने दिमाग को कंट्रोल में ले आता है। एक दूसरे लड़के को भी यहाँ पर हेलुसिनेशन होना शुरू होते हैं। उसकी किसी अंधेरे कमरे से आवाज आ रही थी, जिस आवाज का पीछा करते करते वो उस अंधेरे में चला गया था। और इसके कुछ ही देर बाद दिखाया जाता है कि उसकी भी आंख मुंह से खून निकलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मतलब वो इस मेडिसिन के असर में ही सो गया था और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और उसका दिमाग फटने की वजह से वो मर गया। क्लियर, जिसे अब नींद आ रही थी, वो एक स्टोव पर अपना हाथ जला लेती है ताकि जलने की वजह से उसको नींद ना आए। क्लियर अब इन सब से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग 24 घंटे तक बच पाएंगे, हमें यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना ही होगा। ये लोग अब एक दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बहुत खुदाई करने के बाद भी उनको यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। अब दवाई की असर की वजह से इन लोगों को ऊटपटांग सोच भी आ रही थी, जिसमें एक लड़के को लगता है कि शायद आमिर कंपनी के साथ मिला हुआ है और इसलिए तो उसको इतना नॉलेज है। वो आमिर को बांधकर अपना इलाज ढूंढने के लिए उसको मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन आमिर तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानता था, वो खुद भी इन्हीं की तरह एक टेस्ट सब्जेक्ट था। यहाँ दो लड़के उसको मिलकर पूछते हैं कि बताओ यहाँ से जाने का रास्ता कहाँ है, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। इससे पहले कि वो उसको मार देते, यहाँ पर क्लेयर आकर उसको रोक देती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक और लड़की आमिर को मारने के लिए नींद का इंजेक्शन भर चुकी थी, क्योंकि उसको शक था कि आमिर ने कंपनी की मेडिसिन ली ही नहीं है और इसलिए उस पर मेडिसिन का कोई असर नहीं होगा, और अगर वो सो भी गया तो फिर भी मरेगा नहीं। और इससे पहले कि वो आमिर को इंजेक्शन लगाती, उसको खुद ही हेलुसिनेशन हो जाते हैं और ऐसे में वो सो ही जाती है और उसका दिमाग भी कंट्रोल के बाहर होकर फट जाता है और बाकी लोगों की तरह आंख नाक मुंह से खून आते हैं और वो मर जाती है। जहां क्लियर को भी अब हेलुसिनेशन होने लगे थे और वो 90% तक सो चुकी थी, और इससे पहले वो भी मर जाती वो अपने दिमाग को कंट्रोल करते हुए आमिर की दी हुई जागने वाली दवाई खा लेती है और होश में आती है। और उसी टाइम उसे दीवार में छुपा हुआ एक दरवाजा नजर आता है, जिसके बारे में वो अपने साथियों को बताती है। ये लोग इस कमरे को खोल देते हैं और उनको पता लगता है कि ये तो एक मुर्दा को रखने की जगह है और यहीं पर एक लिफ्ट भी बनी है जिससे शायद मुर्दों को ऊपर या नीचे ले जाया जाता होगा। ये लोग अब इस लिफ्ट को इस्तेमाल करके नीचे जाने का सोचते हैं। आमिर को भी अब हेलुसिनेशन हो रहे थे और उसको दिखाई दे रही थी डॉक्टर रोजी, जो उससे कहती है कि इन सब लोगों ने तुमको धोखा दिया है, ये सब तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं और तुम उठो और उठकर इन सबको मार दो। और दूसरी तरफ इन्हीं के एक साथी को आमिर का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि लॉकडाउन की वजह मैं ही हूँ, जिसको पढ़कर उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आमिर के पास जाकर इस लेटर के बारे में पूछता है। आमिर कुछ नहीं बोलता और इससे पहले वो आदमी आमिर को मार पाता, आमिर अपने आप को छुड़ाते हुए उसी के ऊपर हमला करके बड़ी बेदर्दी से उसको मार देता है। ये चीज क्लियर और उसका दूसरा साथी भी देख चुके थे। आमिर इन लोगों के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये दोनों भाग जाते हैं। वो आदमी भागकर उसी रूम में आ जाता है जहां पर मुर्दा को रखा जाता है, जिसको ये लोग लिफ्ट समझ रहे थे, जिसको बंद करते ही वहां आग लग जाती है। ये कमरा दरअसल लिफ्ट नहीं था बल्कि लाशों को जलाने वाला कमरा था। शुक्र है कि उसने क्लियर के अंदर जाने से पहले ही इस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो बच गई। और अब कंपनी के लॉकडाउन के 24 घंटे भी पूरे हो गए थे और अचानक कंपनी का दरवाजा खुलता है, पर आमिर यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही गार्ड यहाँ आकर उसको शूट करके मार देते हैं, क्योंकि उनको कंपनी की तरफ से ऑर्डर मिला था कि जो भी जिंदा दिखे उनको मार देना। क्लियर यहाँ पर डेड बॉडी वाला कपड़ा पहन लेती है ताकि गार्ड को लगे कि वो मर चुकी है। गार्ड सभी डेड बॉडी को उठाते हैं और क्लियर को भी उठाकर अपनी वैन में रख देते हैं, जहां रास्ते में वो खड़ी हो जाती है और ड्राइवर उसको देखकर डर जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ड्राइवर मर चुका था और क्लियर जिंदा बच गई थी, पर उस मेडिसिन की असर की वजह से वो में जाकर वहीं रोड पर गिर जाती है। सीन शिफ्ट होकर हमें 4 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां क्लियर एक हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी तक कोमा में है। और न्यूज में बताया जा रहा है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन्होंने इन 7 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उनके ऊपर अब इन 7 लोगों को मारने का केस था, जिसका इल्जाम डॉक्टर रोजी पर लगाते हुए कंपनी वालों ने ये केस बड़ी आसानी से बंद कर दिया। और अब आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लियर अब कोमा से जाग चुकी है, जो अब उन कंपनी वालों को सजा दिलवा कर रहे। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।